मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि ज़िंदगी एक सफ़र है और सफ़र में ही रहना चाहिए। काफ़ी अरसा हुआ मैं सोच रहा था कि लाहौर के रुखसार का दिल देखना चाहिए, आज देखते हैं। ऑफिस के तकरीबन तमाम ज़रूरी काम निपटाने के बाद मैंने कॉलेज को कहा टाटा बाय बाय और मैं पहुंचा जनाब सीधा मेट्रो स्टेशन। मेरी ज़ाती राय यह है कि अगर आप कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो आप जितना ज़लील व ख़्वार होकर जाएंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे और उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो मैं आज कोई ज़ाती कन्विंस नहीं लाया, आज मेरा इरादा था कि हम मेट्रो पर सफ़र करेंगे। और मेट्रो का रश आप सोच भी नहीं सकते। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता रहता हूँ कि लाहौर में वो लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें मेट्रो में सीट मिल जाती है। सो मेरे ख्याल में आज मैं इतना खुशकिस्मत साबित नहीं हुआ, सो सीट नहीं मिली। अकेले हैं तो टेंशन मत लें, कानों में हैंड फ्री लगाएं और कोई अच्छे अच्छे गाने सुने। आज़ादी चौक स्टेशन पहुँचा और मेरे ख्याल में ये लाहौर के खूबसूरत मेट्रो स्टेशन में से एक है। मैं जनाब इस वक्त ग्रैंड इकबाल पार्क में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप मीनार पाकिस्तान देख रहे होंगे, मेरे सामने ये बंदा आपका सर खाएगा। कहना ये चाह रहा है कि अगर आप आज़ादी स्टेशन पहुँचे हैं तो वहाँ से आप मस्जिद वज़ीर ख़ान जा सकते हैं। आप ग्रैंड इकबाल पार्क के एक नंबर गेट पर पहुँचें, वहाँ से रिक्शे में बैठें और डायरेक्ट दिल्ली दरवाजे। दिल्ली दरवाजे की हिस्ट्री में आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आपको कहीं से भी आसानी से मिल सकती है। यही सीधा रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये सीधा रास्ता मस्जिद वज़ीर ख़ान जाता है। सो इसी पे चंद मीटर चलते जाएं और आपके बाएं हाथ पे आएगी मस्जिद वज़ीर ख़ान। पुराने लाहौर के शोर गुल के ऐन बीच में ये मस्जिद इतनी खामोश है कि इसकी खामोशी को आप महसूस कर सकते हैं, बयान नहीं। शाहजहां के दौर में बनाई जाने वाली ये मस्जिद तकरीबन 500 साल बाद भी अपनी उसी शान और शौकत के साथ खड़ी है। एक एक चीज देखने से ताल्लुक रखती है और सुकून कमाल। मस्जिद वज़ीर ख़ान से मैं जनाब निकल रहा हूँ और आपको मेरे पीछे मस्जिद वज़ीर ख़ान नज़र आ रही होगी। अब मैं जा रहा हूँ शाही हमाम। शाही हमाम इसी रास्ते में है जहाँ आप दिल्ली दरवाजे की तरफ जाते हैं। मैं जनाब इस वक्त मौजूद हूँ शाही हमाम में और ये अंदर कैमरे वगैरह माइक वगैरह लाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, तो बहुत बहाने तलों से मैं लाया हूँ लेकिन यहाँ यूज़ नहीं कर रहा। बाकी इसमें क्या है और क्या नहीं था ये मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंट्री रिव्यू में बताऊँगा। शाही हमाम को देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। ऐसा बेहतरीन निज़ाम जिसमें ठंडे और गर्म पानी की फरावानी तो थी ही सही, साथ में स्टीम बाथ की भी सहूलत मौजूद थी। आप यकीन करें कि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये 50 रुपये में मैंने सारा हमाम ख़रीद लिया, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ और सिर्फ मैं ही हूँ। कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि जनाब तू ही पागल है जो यहाँ आ सकता है, बट मैं आपको यकीन से बताऊँ कि ये बहुत मज़े की जगह है और अगर आप इसको इसके तारीखी पस मंज़र में देखते हैं और वहाँ जो कतबे लगे हुए हैं जगह को देखें और उस कतबे पर लिखी तारीख को पढ़ें, आपको यकीनन मज़ा आएगा।
ये आपको जो मेरे पीछे शीशा नज़र आ रहा है, इस पर मैं चल के जनाब वहाँ तक गया हूँ और फिर मैं यहाँ से वापस आया हूँ। इसके नीचे काफ़ी गहराई है और ये ऊपर लगा हुआ है। अल्लाह जाने अब ये चलने के लिए लगाया गया था या डेकोरेशन के लिए लगाया गया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह टूटा नहीं है ये। मस्जिद वज़ीर ख़ान और शाही हमाम के विज़िट के बाद मैंने घर की राह ली। ये दिन मेरे आम दिनों से हटकर था इसलिए मज़ा आया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं।